22 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है और प्रतीकात्मक राजनीति करने में भाजपा का जोड़ नहीं है, विपक्ष समझ नहीं पाती है उनकी शतरंज की चाल। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में आदिवासी समुदाय के एक पढ़ी लिखी राजनीतिक कार्यकर्ता को उन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द्रौपदी मुर्मू की। विपक्ष में कांग्रेस के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए विपक्ष ने पूर्व भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा को बोरो किया है, बोरोड प्लेयर है, और उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम सुधा हैं, पीएचडी है मैनेजमेंट में और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिसके अध्यक्ष पूर्व सांसद बीजेपी के पूर्व सांसद उदित राज जी हैं, आजकल उदित राज कांग्रेस में है। ओम सुधा ने आज एक टिप्पणी करते हुए एक लेख लिखा है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की कार्यशैली पर, कांग्रेस की रणनीति पर, उसी पर बात करें कि राष्ट्रपति चुनाव को, आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को ओम सुधा कैसे देखते हैं। एक सरकास्टिक लेख उन्होंने लिखा है। ओम, स्वागत है। जी शुक्रिया सर। जय भीम। जय भीम। क्या लिखा है आपने, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है कि एक तो मोदी जी ने चारों खाने चित कर दिया फिर से कांग्रेस को। हाँ। इसका दो पहलू है सर। एक पहलू यह है कि प्रतीकात्मक रूप से, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि प्रतीकात्मक रूप से बीजेपी एक बार फिर आगे आ गई है, प्रतीक के मामले में बीजेपी को कोई छू नहीं सकता। दूसरा ये पहलू है, जब दलित राष्ट्रपति थे तो इस देश में हाथरस भी हुआ, इस देश में मूछ रखने पर दलित की हत्या भी हुई और इस देश में घोड़ी भी नहीं चढ़ने दिया गया एक दलित राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, हत्या भी हो गई, हत्या भी हो गई। तो दो दो पहलू है इसके। एक पहलू ये है कि दलित राष्ट्रपति या आदिवासी राष्ट्रपति जब भाजपा बनाती है तो क्या होता है। दूसरा पहलू राजनीतिक पहलू है कि एक बार फिर मोदी और संघ ने पटखनी दे दी है कांग्रेस को। कांग्रेस आज भी 90 के दशक वाले राजनीति में चल रहा है, जब उनको लगता था इस देश का दलित पिछड़ा जो है उनका झोला ढोएगा और जो है वो कोई सवर्ण नेता दलितों पिछड़ों आदिवासियों पर थोप देंगे। कांग्रेस अपने को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस अपने को ब्राह्मणों से सवर्णों से मुक्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनको अब समझ में अब तक नहीं आया है कि 2022 का दलित 1990 का दलित नहीं है, दलित पिछड़ा आदिवासी 2022 का जो SC ST OBC है वह इस प्रक्रिया से निकल गया है, वह राजनीतिक रूप से परिपूर्ण हो चुका है, राजनीतिक और सामाजिक चेतना उनकी उन्नत हो गई है, जागृत हो गई है। अब आप सोचेंगे कि SC ST OBC का नेता कोई सवर्ण होगा, कोई ब्राह्मण होगा, यह अब चलने वाला नहीं है। अब SC ST OBC का नेता होना चाहिए उसकी जाति का, ये इस समाज को चाहिए, इतनी तो राजनीतिक चेतना उन्नत हो ही गई है। भाजपा का क्या है, ये भले ही स्टूल पर बैठा दे लेकिन मंच पर बिठाते हैं। अभी दिक्कत मुझे इस बात से हुई, अभी परसों कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, कांग्रेस के सारे वो नेता जिनके बुलाने पर दो लोग ना आए वो मंच पर बैठे हुए थे और अभी के दौर के सबसे मुखर दलित नेता डॉक्टर उदित राज जी वो नीचे बैठे हुए थे। और जब और उसके एक दिन बाद ही बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसको ऐसे समझते हैं कि कांग्रेस अपने दलित आदिवासी नेताओं के साथ कैसे व्यवहार करती है और बीजेपी अपने दलित आदिवासी नेताओं के साथ कैसे व्यवहार करती है। भले ही वो उनका आरक्षण खा जाए दलितों आदिवासियों पिछड़ों का, लेकिन प्रतीक रूप से वो सम्मान जरूर देते हैं। और यह जो समाज है आज की तारीख में भी, यह समाज पहचान के संकट से जूझ रहा है। पहचान के संकट से जूझ रहे समाज में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस समाज के नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पूरे देश का जो दलित पिछड़ा SC ST OBC समाज है, सबकी निगाह में है कि डॉक्टर उदित राज दलितों की आज की तारीख में सबसे बड़े नेताओं में से एक, उनके साथ कांग्रेस कैसे व्यवहार कर रही है। तो इस भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस इन नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करे, क्योंकि जो लोग भाजपा की नीतियों से SC ST OBC समाज का
जो व्यक्ति दुखी होकर कांग्रेस की ओर शिफ्ट करना चाहता है, जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस की ओर शिफ्ट करना चाहता है, अगर उसके शीर्ष नेताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार कांग्रेस नहीं करेगी तो कहीं ये वापस न लौट जाए, ये एक खतरा मुझे दिख रहा है और इस खतरे को कांग्रेस को भी देखना चाहिए। नहीं तो उदित राजू को राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाए हुए, नहीं राष्ट्रीय पर तो भाजपा भी राष्ट्रपति बनाए हुए था रामनाथ कोविंद जी को, उसका मतलब नहीं है। आप कांग्रेस के पूरे ढांचे को देख लीजिए, महासचिव कौन बनता है, राज्यों का प्रभारी कौन बनता है एकाध को छोड़कर, और राष्ट्रीय कमेटी से लेकर CWC से लेकर ब्लॉक लेवल तक इनके जो अध्यक्ष सचिव पूरी जो कमेटी होती है किन जाति के लोग होते हैं, हम तो बिहार में देखते हैं सारे शर्मा वर्मा पांडे मिश्रा तिवारी भरे हुए हैं, तो इनके स्ट्रक्चर में ही जो है ब्रह्म निकल एक जनेऊ का धागा कनेक्ट कर रहा है पूरे कांग्रेस को ब्लॉक स्तर से लेकर AICC तक। AICC की स्थिति देखिए, उन नेताओं को जिनसे मिलने चार लोग नहीं आते, 100 by 100, 50 by 50 का उनका ऑफिस है, और जिस दलित नेता के पास उदित राज जी से मिलने रोज 200 लोग आते हैं उनके लिए 10 by 5 का एक ऑफिस है, जिस वजह से वो अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं। तो मैं तो उनके संगठन का एक पदाधिकारी हूं, इसलिए मुझे ये चीजें पता है, और मैं जो बात कह रहा हूं कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, ये मैं अपने संगठन की तरफ से या मैं अपनी तरफ से भी नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश के लाखों दलितों की आवाज है, लाखों देश के लाखों दलित देख रहे हैं कि यह पार्टी अपने नेताओं के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। हम लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस और भाजपा में चुनना पड़े तो देश के SC ST OBC को कांग्रेस को चुनना चाहिए, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए कांग्रेस ज्यादा फायदेमंद है दलितों के लिए, कम से कम नौकरी तो रहती है, कम से कम आरक्षण तो सुरक्षित रहता है, कम से कम इस तेजी से निजीकरण तो नहीं होता है। तो कांग्रेस को अपने पाले में SC ST OBC को बनाए रखने के लिए इस समाज के नेताओं को सम्मान देना होगा। सिर्फ उदयपुर में जो चिंतन किया, इस चिंतन से कुछ चाहिए होने वाला नहीं है अगर आप समाज में नहीं जाते हैं। बीजेपी बनाया, जितना ओबीसी मंत्री बनाया, सारे ओबीसी मंत्री का प्रचार कर रहा, हम इतना ओबीसी मंत्री बनाए, इतना ओबीसी मंत्री बनाए, जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो बीजेपी ने आधे जो है पिछड़ों को भेजा वहां राज्यसभा, दलित राष्ट्रपति के बाद आदिवासी राष्ट्रपति लेकर आ गए, और कांग्रेस ब्राह्मणों से मुक्ति नहीं हो पा रहा, सबके सब सवर्ण ही भेज दिए राज्यसभा, कहीं कोई जगह ही स्पेस ही नहीं देते। एक चन्नी जी को CM बनाए थे बेचारे, वो भी जिस परिस्थिति में उनको बनाकर भेजा वो टिक नहीं पाए। ये इन स्थितियों में हम चाहते हैं कि देश का दलित कांग्रेस की तरफ ही जाए, क्योंकि भाजपा का विकल्प वही है, लेकिन कांग्रेस को सम्मान देना पड़ेगा दलित पिछड़े SC ST OBC नेताओं को। आपने कहा कि जागृत हो गई अब 2022 का दलित और पिछड़ा समाज 90 का नहीं है, तो इतना ज्यादा जागृत हो गया है कि वैसे पार्टी को वोट दे के जिता दे रहा है जो उसका सब हक हक खा जा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, सब तरह से बेइज्जत कर रहा है, खाली एक व्यक्ति के मुक्ति से, सांसद बन जाने से या राष्ट्रपति बन जाने से क्या उस समाज की मुक्ति हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल समाज का हक तो मार खा रहा है वो, बिल्कुल। तो कौन सा जागृति इस पॉइंट से, ये जागृति मतलब कि आप शत्रु दो तरह के, बड़ा एक छोटा, तो ये कौन सी जागृति है कि जो पार्टी आपका सब कुछ खाया जा रहा है, पीट भी रहा है, रोज मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है, उसको वोट दे रहा है, जागृति है कि जागृति? मैंने अभी सर कहा कि देश के SC ST OBC को उनको कांग्रेस के पाले में जाना चाहिए, और जब भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो इस समुदाय को कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होना चाहिए अगर भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो। दूसरी बात जो आपने कही कि इसकी तरफ चले जाए, इसकी तरफ जो जा रहे हैं उसके लिए अपने समाज के नेताओं से भी हम लोगों को हिसाब लेना पड़ेगा ना। आप बताइए, जो बहुजन के नाम पे सत्ता में आए वो उत्तर प्रदेश चुनाव में ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, आए बहुजन के नाम पे सर्वजन हो गए, फिर ब्राह्मण सम्मेलन कराने लगे, ये सफर तय कर लिया। जो लोग बहुजन के नाम पे सत्ता में आए, समाजवादी की सरकार आई, वो परसों बात करते थे अंबेडकर की, मनाने लगे परशुराम जयंती। हमारे नेताओं ने भी तो हमको ठगा है, हम जिनको अपनी पार्टी समझते रहे वो भी तो उसी पाले में चले गए, ऐसे वक्त में हमारा समाज बिखर गया, हमारा समाज गलत गलत पाले में चले गए, होते तो शायद राष्ट्रपति उम्मीदवार वो भी हो सकते थे।
इसमें पाला का मामला नहीं, और उदित राज जी जहां जाए उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनका अपना जीवन संघर्ष है, उनकी अपनी संगठन की और उनकी अपनी उपलब्धियां हैं, उनकी तरफ से मैं आधिकारिक नहीं कर सकता, चूंकि मैं दलित संगठन से जुड़ा हूं और इस समाज के बीच काम करता हूं। पूरा समाज इस देश में जितना दलित समाज वो मानता है कि हमारे समाज के एक सम्मानित और एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लीडर है, बड़े लीडर हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, तो एक समाज के तौर पर मैं अपनी बात कर सकता हूँ। चलिए ये बताइए, आपने जागृति की बात की, जब दलितों की पार्टी नहीं थी इस देश में, तब आरक्षण पूरा लागू हो जाता था, बैकलॉग का वैकेंसी स्पेशल ड्राइव निकलता था, बिल्कुल, स्पेशल कंपोनेंट प्लान आता था, और लोग ये रहता था कि चलिए भाई इनके साथ भेदभाव हुआ है तो आरक्षण बिल्कुल चलता रहता था। अब दलित राष्ट्रपति, पिछड़ा प्रधानमंत्री, समाज भी जागृत हो गया है, मतलब जात जात का पार्टी बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल, तब आरक्षण ही खत्म हो रहा है, कौन सी जागृति है समझ अब पार? ये तो हम लोगों को अब खुद ही अपने समाज से पूछना है किस तरह की जागृति है। जाति भागीदारी के सवाल पर तो हमारी जागृति गलत दिशा में गई। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, मैं आपको कह रहा हूं जी, कि लीडर कोई रहे, हमारा एजेंडा पूरा होना चाहिए। जैसे आप कह दीजिए भाजपा आरएसएस जो है मनुवादी पार्टी है, आप ब्राह्मणवादी पार्टी है, लीड नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दलित प्रधानमंत्री, अब राष्ट्रपति अब जीत गई तो मुर्मू होंगी, लेकिन एजेंडा किसका चल रहा है? बिल्कुल, आपको हर समय अपने जात का नेता क्यों चाहिए होता है? नहीं, 6000 जातियां हैं तो 6000 जात का नेता आप बना सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है सर कि दलित का लीडर क्यों होगा कोई ब्राह्मण, दलित का लीडर दलित क्यों नहीं होगा? दलित का लीडर दलित भी होना चाहिए, हमें लीडरशिप भी चाहिए, हमें भागीदारी भी चाहिए, अपना हक भी चाहिए। अंबेडकर भी हुए, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, सरकार में शामिल हुए थे, पूरी बहस चली और अकेले बहस करके उन्होंने आरक्षण तमाम प्रतिनिधि लागू करवाया। जगजीवन बाबू इसी देश में हुए, अंबेडकर के बाद जितने रिजर्वेशन की पॉलिसीज उन्होंने लागू करवाई। मेरा कहना यह है कि अब तो जात जात की पार्टी हो गई है, सब दो सीट तीन सीट पे जीत रहे हैं, एक सीट दो सीट के लिए रोते हुए देखा है हमने लोगों को इस चुनाव तो, में तो तब आपके हक हकों का अधिकार क्यों खत्म हो रहा है? ये सवाल है ना फंडामेंटल। अगर हमारा जात का नेता हो, मान लो जाके वो बेच ले, या तुम्हारे जात का नेता हो जाके बेच ले पूरे समाज को, तो ऐसा नेता को करेंगे क्या? ये सवाल है ना। नहीं, इस सवाल से हम आपसे सहमत हैं, हमारी जाति का नेता हो, हमारी बात कहने वाला नेता हो, लेकिन मूल सवाल यह हो कि हमारा हो वो नेता, हमारी बात करने वाला हो, तो बीजेपी जितने नेता बना रहे हैं हमारी बात करने वाले नेता, तो हमारी बात करने वाले नेता नहीं है ना, तो आपके जात के होने से क्या फायदा है? नहीं नहीं, जात का ही सिर्फ नहीं हो, जात की बात करने वाला भी नेता ऐसा तो मिलेगा नहीं अभी, अभी। नहीं तो ऐसा भी नहीं है, इतना भी निराश सर नहीं है हम लोग कि नहीं मिलेगा। एक दौर था जब कहा जाता था नहीं मिलेगा, उस समय अंबेडकर नामा चैनल नहीं हुआ करता था, डॉक्टर रतनलाल नहीं हुआ करते थे, अब हमारी जाति में नेता भी है, लोग 171 सांसद बैठा हुआ, हजारों एमएलए सब बैठा हुआ है, तो समाज तो मूल्यांकन भी कर रहा है ना, समाज अब सवालों के घेरे में भी रख रहा है उन लोगों को। ये बात 90 में नहीं होती थी, जो बात 2022 में हो रही है, 90 में हम जो कहता होगा उसकी बात घर में रहती होगी, 2022 का अगर दलित समाज आज कह रहा अम्बेडकर नामा चैनल पे, तो ये पूरे समाज की आवाज है। चलिए, तो मतलब आपके बहुत सारे आर्गुमेंट से मेरी सहमति नहीं है, जात जात के नेता के चक्कर में तो पूरे जमात ही बिक गई, पूरी जमात बिक गई, ओबीसी एससी एसटी 85% नारा देते रहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं है, सब खाली हमारे जात का मंत्री बना दो, बाकी हमको जितने पीटना है। इसी भाव को तो बीजेपी ने समझ लिया है, इसी खेल को बीजेपी ने पकड़ा है, इसी खेल को बीजेपी ने समझ लिया है, इसीलिए तो जाति के उन नेताओं को जगह दे रहे हैं जिनके मुंह में आवाज नहीं। चलिए, तो ये ओम सुधा साहब थे, पूरा वीडियो देखिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहना है। शुक्रिया, जय हिंद।